अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? आज एक नए व्लॉग की शुरुआत हमने कर ली है, ठीक है ना। अभी आप मेरे पीछे खेत देख रहे हो, तो अभी मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। मैं फार्म में आया हूँ, ठीक है। आप मेरे पीछे मक्की का फार्म देख सकते हो। आज हम एक्सप्लोर अपनी बीकीपरी लाइफ करेंगे सऊदी अरब की, ठीक है। और सऊदी अरब में क्या है क्या नहीं वो एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले मैं बैक कैमरा ऑन करता हूँ, बैक कैमरे से हम बात करेंगे। सो गाइस फाइनली चेक करो, ये रहे बॉक्स सामने, ठीक है ना। सऊदी अरब की लाइफ जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, बीकीपरी लाइफ, अभी कुछ टाइम पहले हमने, एक डेढ़ महीना पहले हमने यहाँ पे बॉक्से लगाए थे। मान के चलो हमने लगाए थे करीबन 300 से ज़्यादा ही थे, 300 से ज़्यादा तो हमने यहाँ पे लगाए थे। मैं तब यहीं पे था, तो ठीक है ना। और जब हमने यहाँ पे मधुमक्खी लगाई और अब आज फिर मैं यहाँ पे आया हूँ, तो वो पीछे आप देखो कितने बॉक्से हमने खाली किए, वो देखो वहाँ से बहुत ही ज़्यादा बॉक्से जो है ना यहाँ पर खाली निकले। और यहाँ की जो बी कीपरिंग है ना, सऊदी अरब की बी कीपरिंग, यहाँ मतलब इस टाइम पे मक्खी बचाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। वो जो क्रालिंग मैंने बहुत टाइम पहले भी आपको दिखाई थी ना, बहुत ज़्यादा मक्खी उसकी वजह से यहाँ पे मर गई। ये देखो अभी भी नीचे नीचे से, ये देखो बॉक्सों के सामने से, ये चेक करो यहाँ से कितनी है। सो ये क्रालिंग जो है ना, ये एक्रैंग उसके बहुत ज़्यादा लॉस इससे हो गया, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे हम, माइग्रेशन करेंगे, इनको उठा के ले जाएंगे। और ये देखो यहाँ पे एक इंडियन जो बीकीपर है ना, इंडिया के बीकीपर के साथ क्या होता है। और सबसे पहले मैं आपको ये बोलना भूल गया कि 300 बॉक्से थे ना, 100 बॉक्से बचे भाई ये, ठीक है ना। ये जो ऊपर आप पत्थर किसकी किसी किसी बॉक्से पे देख रहे हो, ये खाली है, खाली 100 बॉक्स इसमें बचा है 300 पेटी में। तो आप देखो कि 300 पेटी में एक दो महीने के अंदर कितने खाली हो गए, खुद सोच लो। हाँ, तो अब मैं क्या बोल रहा था आपको, मैं ये बोल रहा था कि एक इंडिया का जो बीकीपर होता है ना यार, एक इंडिया का बीकीपर क्या होता है, उसको जो ये गाड़ी आप सामने देख रहे हो, जब हमें पेटी कहीं उठानी होती है तो क्या होता है यार, ट्रांसपोर्ट का नंबर ढूँढो, फिर उनसे फ़ोन करो, बात करो, फिर उनके साथ रेट करो, फिर उनने गाड़ी भेज दी तो नहीं। आदू के साथ ये भी होता है बहुत सारे, मेरे साथ खुद ये वहाँ पे हो चुका है कि मैंने अपना सामान जो है ना रूम का कहीं बार वहाँ पे पैक किया था, लेकिन गाड़ी मेरे पास नहीं पहुँची थी। ट्रांसपोर्ट जो है ना वहाँ के ऐसे ऐसे पंगे करते। बट सऊदी अरब में देखो गाइज कि अभी हम ये मक्खी उठा के ले जाएंगे, दूर माइग्रेशन करनी है, 300 किलोमीटर ये दूर हम ले जाएंगे, ठीक है ना। 300 किलोमीटर तो आप मान के चलो हमें यहाँ से 300 किलोमीटर जाना है, वहाँ से वापस 300 किलोमीटर आना है, 600 किलोमीटर हम इसी गाड़ी में जाएंगे। देखो हमें कोई गाड़ी नहीं ढूंढनी है, कुछ भी नहीं ढूंढना है, गाड़ी हर वक्त हमारे साथ होती है। आप तो मेरे व्लॉगों में देखते हो, हम ये गाड़ी मतलब इस गाड़ी में मक्खी को देखने जाते, तो इस गाड़ी में, छोटी गाड़ी में जो अच्छा लगे उसमें चले जाते, ठीक है ना। ये हर वक्त हमारे साथ, एक ही नहीं तीन तीन ये गाड़ियाँ साथ है, तीन गाड़ियाँ ये हमारे साथ है यहाँ पे। तो जब चाहो जहाँ चाहो मक्खी को ले जाओ। सो फाइनली अभी हम इसी गाड़ी में ये मक्खी लोड करेंगे और यहाँ से ले जाएंगे 300 किलोमीटर, ठीक है ना। जब वहाँ पे डालेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जब हम ये लोड करेंगे और रास्ते में क्या नज़ारा आएगा, क्या व्यू आएगा, वो भी आपको दिखाएंगे। और इस गाड़ी में अभी हम ये लोड करने वाले, ले जाने वाले 100 पेटी 300 किलोमीटर, ठीक है ना। वहाँ पे छोड़ के वापस हम आएंगे, ठीक है। तो फिर चलो मिलते हैं आगे रास्ते में, कि रास्ते में जितना भी व्यू रहेगा वो आपको हम ज़रूर दिखाएंगे। सो गाइज फाइनली हमने 100 पेटी जो है लोड कर ली और खेतों से निकल गए। ये आसपास यहाँ पे खेत है, ठीक है ना, यहीं पे हमने पेटियाँ लगाई थी। सो चलो चल पड़े यहाँ से हम, हमें जाना है कम से कम 300 किलोमीटर आगे। हाँ तो चलो देखते हैं रास्ते में क्या दिखेगा हमें। गाइज वो चेक करो, वो जो पहाड़ों से है ना, रात को कहाँ पे बैठते हैं सऊदी लोग, वहाँ से लाइटिंग वगैरह जो दिख रही है आपको, वहाँ से देखो, चेक करो यार वहाँ से लाइटिंग है। ऊपर जो है ना रेत के टिब्बे वगैरह, वहाँ पे बैठते हैं, जो रेत के बड़े बड़े पहाड़ हैं आपको अभी नहीं दिख रहे हैं। और मैं तो परेशान हूँ ये सऊदी अरब के जो लोग हैं ना, इनकी क्या ये शौक है यार, उनके शौकों पे तो मैं बिल्कुल परेशान हूँ। क्योंकि रात को ऐसी ऐसी जगहों में बैठते हैं ना यार, मतलब हम लोग तो ऐसी जगहों पर रहना पसंद नहीं करते। तो चलो मैं आपको दिखाऊँगा, देखना कि कहाँ पर रहते हैं क्या करते हैं, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए यहाँ से, ये जो है ना यार, इन सऊदी लोगों के शौक में इसमें परेशान हो जाता हूँ यार। यहाँ जैसे मैं शौक देखता हूँ ना, वैसे मैं मतलब क्या ही आपको बताऊँ। सो फाइनली अभी हम क्या हो गए, अभी हम एक सिटी मतलब एंट्री होने वाले हैं, बस यहाँ से आप समझो ये सिटी आने वाली है। जुल्फी, जुल्फी नाम है यार इस सिटी का। ये क्या
नाम है यार, किसी किसी नाम है यहाँ पे। सो चलो अंदर थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ, ये चेक करो गाइस यहाँ से, क्योंकि इस सिटी में मैं इससे पहले भी आया हूँ यार। ये सिटी जो है ना पूरी अंदर से है, बाहर से रोड है इसका, लेकिन यहाँ पे कुछ नज़ारे बहुत ही अच्छे खूबसूरत है। सिटी में जो है ना काफ़ी अच्छे अच्छे बड़े बड़े मॉल है। ये आपको सामने ही पहला मॉल नज़र आ रहा होगा, लाइटिंग है नहीं दिख पा रहा है, वो सामने जो है ना ये देखो, ये मॉल जो है बहुत ही अच्छा मॉल है, और वो साइड साइड से ये देखो, ये चेक करो गाइस। ना शाम को ही गाड़ियों का रश दिखता है, दिन में तो ये सऊदी लोग दिखते भी नहीं है, बस रात जैसे ही हो जाती ना बस ये निकल जाते हैं, मतलब ये जो रेत के पहाड़ है इन पे रात को बैठने के लिए, बस बड़ा सही शौक है इनका वहीं वहाँ पे बैठने के लिए, रात को बैठते यार गाड़ियाँ लेके, ठीक है ना, खाना पीना उठाते सब कुछ। लेकिन ऐसी ऐसी जगहों में बैठते हैं ना, सच बता रहा हूँ कि हम लोग उन जगहों में बैठना पसंद नहीं करते यार, लेकिन ये लोग पसंद करते हैं। और मैंने इधर कुछ खास देखा है वो मैं आपको दिखाऊँगा, देखना कि इधर की जो रेत है ना रेत, ये मेरी बात आप याद रखना, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। जब हम रेत पे बैठते हैं ना, अगर हम खाना भी खाएंगे ना, नमाज भी पढ़ेंगे, नीचे कुछ भी नहीं ना रखेंगे खाना खाने के टाइम भी, कपड़ों को थोड़ा भी नहीं लगता यार, ये जो रेत है ना यहाँ की, कपड़ों को थोड़ा भी नहीं लगता है। लेकिन एक चीज़ मैंने यहाँ पे देखा, अगर हम अपने इंडिया में बैठते ना नीचे ज़मीन पे, तो कितनी मिट्टी लग जाती है, यहाँ पे मैं रेत पे भी बैठा हूँ लेकिन कपड़ों में नहीं लगती है गाइस। ये चेक करो वहाँ से मस्जिद, तो यहाँ से भाई मस्जिदें इतनी है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। सो चलो गाइस अभी आगे मिलते हैं, क्योंकि खाना भी खाना है, फिर अभी पहुँचे भी नहीं, बड़ा टाइम है, तो देखते हैं क्या कहते हैं आगे हम। ये चेक करो यहाँ से नज़ारा, ये देखो ये बहुत खूबसूरत है, ये बीच में गाइस फाइनली ये चेक करो कि मैं आम सिटी से बाहर निकल गए, लेकिन बाहर निकलने के टाइम पे जो लास्ट पॉइंट है ना बाहर निकलने का, कितना खूबसूरत है यार, ये देखो इस साइड दिखाता हूँ, ये चेक करो बहुत खूबसूरत है यार यहाँ से, ये देखो यहाँ से, वो देखो वहाँ पे पार्क है, वो सामने कितनी खूबसूरत लाइटिंग लगाई गई है, ये चेक करो। फाइनली गाइज हम पहुंच गए, ठीक है ना, जहाँ पे हमें मधुमक्खी उतारनी थी, तो मधुमक्खी हमने उतार ली। यहाँ पीछे वहाँ पे अंधेरा था तो मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाया, ठीक है ना, तो अभी यहाँ पे टाइम हो गया 10 मिनट के ऊपर 10, तो सो चलो अभी खाना वाना खाएंगे, उसके बाद निकले के वापस और देखते कब पहुँचेंगे रूम पे। फाइनली गाइज खाना आ गया, बकरे का ये चेक करो, ये चावल सो चलो चावल खा के चल बैठे, भाई लेके कुछ आएंगे सलाद, सलाद चलो खाना खा के निकलते हैं। फाइनली गाइस जैसे हमने खाना खा लिया ना, तो देखो बारिश स्टार्ट हो गई, कितनी फास्ट बारिश आ रही है, सो चलो करते काम, निकल पड़ते, खाना वाना खा लिया और चल पड़ते। गाइस बारिश देखो कितनी ज़्यादा गिर रही है, ये चेक करो यार, रोड ही नहीं दिख रहा है आगे, ये चेक करो गाइस, 10 मिनट की बारिश ना यहाँ बहुत कमाल की बारिश होती है, रोडों में इतना पानी जमा होता है ना कि आपको क्या ही बताएं। रुक रही है थोड़ी थोड़ी रुक रही है, चलो खाना खा के निकल गए हम, तो अब रूम पे पहुँचेंगे वापस। सो गाइज फाइनली हम पहुंच गए वापस, ठीक है ना, रात के 12:30 हो गए, ठीक है 12:30 हम तब गए थे हम
6 बजे निकले थे, ठीक है ना, 6 बजे और 12:30 600 किलोमीटर हमने सफ़र किया। देखो यहाँ पे कितना जल्दी होता है, मतलब 600 किलोमीटर। सो चलो हम फाइनली इस वाले रूम पे आ गए जहाँ पे ये वाला रूम है दूसरा वाला, तो आज यहीं पे सोने हमें। मैंने सोचा मैं बाहर ही व्लॉग एंड करता हूँ, तो सो करते काम सोने से पहले करते इस प्यारे से व्लॉग को एंड। और जो भी मेरे चैनल पे नया हो ना, लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते एक नेक्स्ट व्लॉग में बहुत ही जल्द। ओके, अल्लाह हाफिज़।